उत्पत्ति अध्याय दस नूह की वंशावली। नूह के पुत्र जो शेम, हाम और एपेत थे, उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली यह है। एपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादय, याबान, तुबल, मेशेक और तिरास हुए, और गोमेर के पुत्र अश्कनज, रिपत और तोगर्मा हुए, और यावान के वंश में एलिशा और तर्शीश और कित्ती और दोदानी लोग हुए। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बट गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। फिर हाम के पुत्र कूश और मिस्र और फूत और कनान हुए, और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा और सबुतका हुए, और रामा के पुत्र शबा और ददान हुए, और कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। यह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चलती है कि निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला, और उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबुल और अक्कद और कलने हुआ। उस देश से वह निकलकर अश्शूर को गया, और निन्वे, रहोबोतीर और कालह को, और निन्वे और कालह के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। और मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तुही और पत्रुसी, कसलुही और कप्तोरी लोग हुए। कसलुहियों में से तो पलिश्ती लोग निकले। फिर कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ सिदोन, तबहित और यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिव्वी, अर्की, सीनी, अरवदी, समारी, हमाती लोग भी हुए। फिर कनानियों के कुल भी फैल गए, और कनानियों का सिवाना सिदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर अज्जा तक, और फिर सदोम और अमोरा और अदमा और सबोइम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। हाम के वंश में यही हुआ, और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। फिर शेम, जो सब एबर वंशियों का मूल पुरुष हुआ और जो एपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र एलाम, अश्शूर, अर्पक्षद, लूद और आराम हुए, और आराम के पुत्र उस, हूल, गेतेर और मश हुए, और अर्पक्षद ने शेलह को और शेलह ने एबर को जन्म दिया, और एबेर के दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई, और उसके भाई का नाम योक्तान है, और योक्तान ने अल्मुदाद, शेलेप, हस्मावेत, एरह, यदुरवाम, उजाल, दिकला, ओबाल, अभिमायल, शबा, ओपीर, हवीला और योबाब को जन्म दिया। यही सब योक्तान के पुत्र हुए। इनके रहने का स्थान मेशा से लेकर सपारा, जो पूर्व में एक पहाड़ है, उसके मार्ग तक हुआ। शेम के पुत्र यही हुए, और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। नूह के पुत्रों के घराने यही है, और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावली यही है। और जलप्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बट गई।